हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलो स्कूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। गाइस, आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, एक प्रोडक्ट के साथ जो कि मैं मतलब पिछले एक महीने से यूज़ कर रही हूँ। ये यूट्यूब के लिए नहीं था, मतलब कि नॉर्मली मैं इसको यूज़ कर रही थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी। एंड गाइस, वो है मेरे हेयर फॉल। मुझे गाइस हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। सो मतलब कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मुझे बहुत सारे DIYs आते हैं, होम रेमेडीज़ पता है, लेकिन गाइस आजकल किसके पास इतना टाइम है कि वो DIYs और होम रेमेडीज़ करे। सो एज यू कैन सी, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि मुझे सही में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अभी मतलब कई नहीं है, मैंने अभी स्टार्ट ही करा है। यू कैन सी मेरे यहाँ से थोड़े हेयर लॉसेस हो रखे हैं आगे से। सो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो गाइस, मैं एक शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके साथ। तो गाइस, मार्केट में बहुत सारे शैम्पूस अवेलेबल है एंड मोस्ट ऑफ द सब वर्क करते हैं अगर आप सही तरीके से वर्क करें। एंड हेयर फॉल शैम्पूस की जगह आप अपनी होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाइस आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो होम रेमेडीज़ का यूज़ करे। सो बेसिकली सब शैम्पू या ऑयल यूज़ करते हैं। सो जिस शैम्पू की बात मैं कर रही हूँ वो है पैंटीन प्रो विटामिन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। सो गाइस, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 1.5 महीना होने को आ गया है। ओके, सो मैं इसको इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। एंड पैंटीन क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है और इतना अच्छा है, तो मैंने कहा मैंने बहुत सारे शैम्पूस ट्राई किए। इसके अलावा मैंने एक और शैम्पू भी इसके साथ मैं ट्राई कर ही रही हूँ। कभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, कभी उसको यूज़ कर लेती हूँ, एंड वो भी बहुत अच्छा है। बट आज मैं सिर्फ पेंटीन के बारे में बात करूँगी, उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूँगी। सो गाइस, ये रिड्यूस ये है पेंटीन प्रो विटामिन शैम्पू, हेयर फॉल कंट्रोल रिड्यूसेस हेयर फॉल। तो गाइस, मार्केट में बहुत सारे शैम्पू, आप कहेंगे कि मैं पेंटीन ही क्यों लें। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, क्योंकि ये इतना बड़ा ब्रांड है, आप इसके ऊपर आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब ऑफकोर्स इतने समय से, और वन ऑफ द एक्सपेंसिव शैम्पू होता है ये काफ़ी। तो गाइस, थोड़ा जो एक्सपेंसिव होती है चीज़ें वो अच्छी भी होती है, ये नहीं कि ख़राब होती है। थोड़ा पैसा लगता है लेकिन अच्छी होती हैं। सो जल्दी से मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ, इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर वाटर है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, बेटानिन है, ग्लाइकोल है, डिस्ट्रेट है, सोडियम साइट्रेट है, फ्रेग्रेंस है, सिट्रिक एसिड है, EDTA है, ट्राई सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम बेंजोनेट है, इथाइल है, ईथर है, फेनेथनॉल है, मॉइस्चराइजर्स भी है इसमें। सो एंड गाइस, ये 180 ml का पैक है, आप देख सकते हैं। और इसकी प्राइस है 115 rupees। एंड इसकी एक्सपायरी डेज 3 years है बिफोर दी फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। एंड ये 2018 में ही बना है, तो अभी है इसकी। सो गाइस, मैं पहले आपको अपना पहला एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब जब मैंने इसको फर्स्ट डे यूज़ किया था, ये गाइस पहली बार नहीं है कि मैं पेंटीन यूज़ कर रही हूँ। 4-5 साल पहले जब मैं बच्ची थी तो मतलब पेंटीन मुझे बहुत पसंद था। मैं TV पर देखती थी, ओ यार मुझे भी चाहिए ये। सो बहुत पहले, 4-5 साल पहले भी हमने इसको यूज़ किया। वो हेयर फॉल कंट्रोल वाला नहीं था, वो सिल्की स्मूथ वाला था, इसका दूसरा वर्जन। एंड गाइस, उसके पेंटीन में और अब के पेंटीन में ये डिफरेंस है कि उसका फॉर्मूला अलग था, इसका फॉर्मूला अलग था। उसका फॉर्मूला गाइस जैसे वाइट होता है, जैसे एलोवेरा होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, वो वैसा है। लेकिन ये जो पेंटीन है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मैं वैसे तो वेस्ट नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। चलिए मैं यहीं दिखा देती हूँ, निकल लिया। आप देख सकते हैं ये थोड़ा क्रीमी क्रीमी मिल्क कलर है इसका, और फॉर्मूला भी इसका काफ़ी क्रीमी, अच्छे से वाटर में अब्सॉर्ब भी हो जाता है ये। सो ये डिफरेंस मुझे उस वक्त की और इस वक्त के पेंटीन में ये लगता है, और थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस। एंड चलिए अब इसके हम क्लेम देख लेते हैं कि ये क्या करता है। ये रिड्यूसेस हेयर फॉल ड्यू टू ब्रेकेज वर्सेस नॉन कंडीशनिंग शैम्पू,
कंपेयर टू द प्राइस पेंटेन शैम्पू बॉटल। अगर आपके ड्राई वीक बाल है और प्रोन टू लिंकेज है, ये कहता है कि आपके जो वीक और ड्राई हेयर्स है उसको रिपेयर करता है, और जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उसको भी रिमूव करता है, और आपके बाल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड डायरेक्शंस इसके, डायरेक्शन फॉर यूज़, मसाज ऑन टू वेट स्कैल्प, हेयर जेंटली रिंस ऑफ थ्रूली। आपको मतलब कि ऑफ कोर्स आपको पता ही है शैम्पू कैसे लगाते हैं, और इसकी एक बात अच्छी है कि ये मसाजेबल शैम्पू है। कई सारे शैम्पू होते हैं गाइस वो मसाजेबल नहीं होते, और अगर आप उनको मसाज करने की कोशिश करते हो जबरदस्ती तो बाल धोते वक्त ही आपके बाल टूटने लगते हैं। तो ऐसा इसके साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मसाजेबल शैम्पू ही है। आप इसको अपने फिंगर टिप्स का यूज़ करके अपने बालों में मसाज यूँ कर सकते हैं। गाइस प्लीज़ हथेलियों का यूज़ मत किया कीजिए मसाज करने के लिए, उससे आपके बालों की जड़ें और कमज़ोर होती है और वो टूट जाते हैं। अपने फिंगर टिप्स का यूज़ कीजिए और आराम से अपने हेयर्स में मसाज कीजिए। आजकल शैम्पूस की अच्छी बात है कि आजकल मसाजेबल शैम्पूस आ रहे हैं जो कि पहले नहीं होते थे, पहले अब होते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका लगाया था तो गाइस एक बार में तो किसी का रिज़ल्ट दिखता नहीं है। जो इसका मुझे पहला रिज़ल्ट जो मिला था वो ये था कि मेरे बाल बहुत सिल्की स्मूथ से हो गए। ऑफ कोर्स आप कहेंगे हर शैम्पू करता ही है, या वो करता ही है, एंड बट ऑल डे लॉन्ग मेरी गाइस आदत है बालों में ऑयल करने की, वरना मेरे बाल मैनेज नहीं हो पाते हैं। बट मैंने जब मैंने फर्स्ट डे इसको लगाया था मेरे बाल इतने सिल्की स्मूथ हो गए थे, मुझे लगा था यार आज मुझे ऑयल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड इतनी अच्छी फीलिंग आती है, आपके बाल एकदम हल्के हो जाते हैं, आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देता है, एंड आपको एक फ्रेशनेस लगती है, आपको अपने सिर पे काफ़ी हल्का सा लगता है। एंड या बहुत ही अच्छा शैम्पू है गाइस। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार पेंटीन को ज़रूर 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 ट्राई करके देखिएगा। बस एक छोटा सा कॉन मुझे इसका लगता है कि बालों को सिल्की स्मूथ तो बहुत करता है, लेकिन बालों में थोड़ा फ्रिज कर देता। फ्रिज मतलब वो जैसे कि बोलते नहीं है नॉर्मल लैंग्वेज में, बाल फव्वारे की तरह थोड़े हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा क्लीन होकर हवा में उड़ने लगते। वॉल्यूम, बालों का वॉल्यूम कुछ ज़्यादा बढ़ जाता, बस ये छोटी सी चीज़ है, अदरवाइज कुछ नहीं। अदरवाइज बहुत ही बढ़िया है। एंड गाइस अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक हेयर अच्छे हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको एक अच्छा ऑयल भी यूज़ करना चाहिए। गाइस बालों के टूटने की ज़्यादातर वजह ये होती है कि आजकल के टाइम में हम अपने बालों को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते। आजकल गाइस ऑयल लगाने किसी को पसंद नहीं है, तो गाइस अगर आपको एक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू यूज़ करें तो इसके साथ साथ एक ऑयल भी यूज़ करें जो स्पेशली हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन हो। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो ऑयल इस फिलहाल यूज़ कर रही हूँ अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए वो केश किंग है। एंड गाइस ये दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैंने आपको बोला है, गाइस ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरे खुद के व्यूज़ है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस पेंटेन के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। अभी मैं इसको चेंज करने के बारे में फिलहाल नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि ये मेरे हेयर फॉल को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। मेरे बाल गिरना पहले से काफ़ी 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 ज़्यादा कम हो गए हैं, एंड उसके साथ मैं अच्छी तरीके से अपने बालों को ऑयल भी करती हूँ। अपने बालों को स्ट्रेंथ देना बहुत ज़रूरी है, आपके बालों में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उनको ठीक से मॉइस्चराइज नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से बाल आपके और ब्रेक होते, टूटते, रूखे सूखे हो जाते हैं। अक्सर गाइस सर्दियों में और भी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे आपकी स्किन पूरी ड्राई होती है, वैसे आपके हेयर स्कैल्प भी ड्राई होते, तो उसको अच्छे से ऑयल करना ज़रूरी है। आप गाइस क्या कर सकते हैं कि आप जो आपका हेयर फॉल कंट्रोल वाला ऑयल है आप उसको शैम्पू करने से पहले लगा लीजिए, देन शैम्पू कर लीजिए, और अगली बार अगर आपको जिस दिन फिर से शैम्पू करना हो उस दिन फिर से आप ऑयलिंग कर लीजिए, देन शैम्पू का यूज़ कीजिए। एंड गाइस एक और मैं कहूँगी, आप इसका थोड़ा ज़्यादा गैप गैप पे हेयर वॉश मत कीजिए, और एकदम से कंटिन्यूसली भी हेयर वॉश मत कीजिए, 2-3 दिन के गैप पे आप हेयर वॉश कर सकते हैं। एंड इसके हेयर फॉल की बात कर ही रहे तो गाइस सिर्फ शैम्पू ऑयलिंग से भी कुछ, आपको अपने हेल्थ का ध्यान भी रखना होता है, आपको धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है अपने बालों को, ताकि हेयर फॉल ना हो, आपके बाल जो कम डैमेज हो। गाइस ये मेरा एक्सपीरियंस है पेंटिंग के साथ। एक और छोटी सी लाइन में कह देती हूँ मैं कि ये मेरा अब तक का मतलब
वन ऑफ द बेस्ट। जितने भी शैम्पू मैंने गाइस बहुत सारे शैम्पू यूज़ किए हुए हैं हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। सो ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शैम्पू है जो मैं हेयर फॉल के वक्त में यूज़ करती हूँ। एंड गाइस मुझे हेयर फॉल मतलब कि अभी हो है, अभी ठीक हो जाएगा फिर वापस होने लगेगा, तो मेरे साथ ये चलता रहता है, इंटरवल पे आता रहता है। सो मैं पैंटीन पे अब साइज में बहुत ट्रस्ट करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे बालों को इतने अच्छे से सिक्योर करता है ये। मुझे हेयर फॉल बहुत कम हो गया है मेरे बालों का, पहले बहुत ज़्यादा था, अब बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो गाइस अगर आपको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ 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 इसको यूज़ कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप सो आपको इसी के साथ ये वीडियो अच्छी लगी हो। गाइस मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करें। गाइस प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस प्लीज़ 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 आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड शुभ रात्रि, रात हो रहा है इसलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।